चंद रोज पहले हमने आपको बिलासपुर के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया था जिसने गौ माता की रक्षा और उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करवा दिया है, जहां पर लोग आते हैं और सोना चांदी नहीं बल्कि गौ माता के लिए चारे का भोग लगा कर जाते हैं। बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के तहत आने वाले भगेड़ गाँव के पास मंदिर निर्माण करवाने वाले सुनील शर्मा की नेक दिली का एक और किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनील शर्मा की नेक दिली आज एक बेजुबान को मौत के मुंह से वापस लेकर आई। दरअसल शनिवार देर रात को एक बैल नाले में गिर गया था। रविवार सुबह जब स्थानीय ग्रामीणों ने बैल को नाले में गिरा हुआ देखा तो उन्होंने इसकी सूचना SDM घुमारवी राजीव ठाकुर को दी। SDM राजीव ठाकुर को क्षेत्र के गौरक्षक सुनील शर्मा की याद आई। राजीव ठाकुर ने बैल को बाहर निकालने के लिए प्रगति समाज सेवा समिति के संचालक सुनील शर्मा की सहायता ली। SDM के आदेशों के बाद सुनील शर्मा फोर लेन के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और बैल को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू किया गया। इसके लिए उन्होंने रस्सी से बैल को बांधकर ऊपर खींचने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस दौरान क्रेन को मौके पर लाया गया और क्रेन से बांधकर बैल को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया। घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार मेहनत रंग लाई और बेजुबान प्राणी को क्रेन की मदद से जिंदा बाहर निकाल लिया गया। नाले में गिरे बैल को काफ़ी गहरी चोटें आई हैं। क्षेत्र की गायों की रक्षा करने वाले सुनील शर्मा के इस नेक कार्य को लेकर हर कहीं तारीफ हो रही है और होनी भी चाहिए। सुनील शर्मा जैसे लोग खुद के साथ साथ दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं। ये जो बैल अभी हम रेस्क्यू करके लेके आए हैं, ये SDM घुमारवी जो राजीव ठाकुर जी हैं उनके निर्देशानुसार अभी हमने इसको अपाहिज गौ वंश उपचार सेवा केंद्र में शिफ्ट किया है। ये वहाँ से लगभग 3-4 घटनाएं ऐसी घट गई हैं जिसमें बड़े विशाल का बैल जो है उस जगह से गिरते हैं और गाड़ी भी वहाँ से गिर सकती है। हमारा सरकार प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि वहाँ पर ऐसी जगहों पर रेलिंग की व्यवस्था करवाई जाए जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे। और इस बैल को अभी हम अपाहिज गौ वंश उपचार सेवा केंद्र में लेकर आए हैं। स्थानीय जो वेटनरी है जैसे सुरजीत जी हैं, सागर जी हैं, ये भी साथ में इसमें इन्होंने आपातकाल इसको ट्रीटमेंट दे दी है और अनाथ आश्रम के जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो भी साथ में आए हैं। SDM जी के पास इसमें जो है अनाथ आश्रम का पूरा कार्यभार है और जब उन्होंने हमें सूचना दी तो हमने उनके कहने पर इस बैल को अपाहिज गौ वंश उपचार सेवा केंद्र भगेड़ में शिफ्ट किया है। धन्यवाद।